मतलब अगर आप ETH में PhD कर रहे हो तो दे विल पे यू अराउंड 60 to 70K US डॉलर पर एनम इन जस्ट डूइंग PhD, जॉब भी नहीं है. इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आई वुड से. या दैट इज अमेजिंग. तो टोटल 2 इयर्स में आपने हाउसिंग पे कितना खर्चा किया होगा आप तक, मतलब फीस के टोटल जितना भी किया? टोटल अगर मैं अपना खर्चा बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि So hey guys, today we have Mohit here who will be sharing his journey to ETH Zurich and why उन्होंने US नहीं choose किया for his masters in computer science rather than ETH Zurich. और ETH Zurich के बारे में सबको पता है that it is one of the best computer science school of Europe. So hi Mohit, can you please introduce yourself? Hello Harnoor, my name is Mohit. और first of all, thanks a lot for inviting me for this discussion. And I would be glad to share my experience of studying at ETH Zurich. तो मैंने अपना बैचलर्स इंडिया में किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड पटना इन बिहार, और मैंने अपना बैचलर्स NIT दुर्गापुर से किया एंड आई पास्ड आउट इन 2018. उसके बाद मैंने कुछ महीने ONGC में काम किया था एंड देन आई एम स्टडीइंग एट ETH ज़्यूरिख इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एज अ मास्टर स्टूडेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. और मेरा स्पेशलाइजेशन आई एम करेंटली इन जनरल कोर्सेज, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. परफेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज जर्नी से. तो कॉलेज में किस ईयर में आपका लगा कि मतलब मन बन गया कि मुझे बाहर जाना है, मतलब why didn't you decide कि कॉलेज के बाद जाते हैं rather than getting some work experience? So जब मैं कॉलेज में था अपने फाइनल ईयर में तो आई हैड ऑप्शंस टू सिट इन द प्लेसमेंट्स, बट मुझे मेरा शुरू से इंक्लाइन था कि आई हैव टू परस्यू हायर स्टडीज इन रिसर्च डोमेन एंड ऑल, बिकॉज मे बी बिकॉज माय प्रोफेसर्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे और मेरा परफॉर्मेंस अंडरग्रेड में काफ़ी अच्छा रहा था. तो इसीलिए मैंने अपने फाइनल ईयर में ज़्यादा डेडिकेशन अपने गेट एग्जाम के टुवर्ड्स दिया था. And as a result, I was able to secure a good rank in GATE, and that actually helped me in my application process and all. और directly भी मुझे option दिया मिला था, मतलब मैं final year में जब था तब मुझे ETH Zurich से offer था, but मैंने decide किया क्योंकि offer काफ़ी late आया था तो मुझे doubt था कि whether I should join the company or whether I should join my masters. Or by contacting the university, I decided like, yeah, it will be good to have a year more experience, and I think that worked out quite good. So उन्होंने आपको defer करने की option दी and आपने defer कर दिया, right? नहीं, defer करने का option तो नहीं दिया था, but मुझे ऐसा लगा कि कुछ साल work experience या कुछ महीने का work experience matters, मतलब so मैंने decide किया कि at least see how the work culture in India is. So maybe that's the reason. I see, indeed. तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ा, मतलब आप एक्सेप्ट हो गए थे ना कॉलेज में लाइक ETH Zurich? हाँ, फिर से दोबारा मुझे अप्लाई करना पड़ा था जी. तो दोबारा and what was your score? Like application process कैसा था, मतलब ETH Zurich का? Application process I would say मतलब GRE was not compulsory, but yeah, we gave the GRE and TOEFL too. More or less यहाँ पर जैसे अगर सिलेक्शन रेट की बात की जाए तो इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आई नो लाइक देर आर 8 to 9 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया हु आर करेंटली परसुइंग देयर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एट ETH. एंड मतलब उन लोग का मैं प्रोफाइल अगर देखूँ तो मैं ऐसा कहूँगा कि ETH इज अ बिट बायस टुवर्ड्स GPA मे बी, सो दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट टू फोकस ऑन. Or yeah, college also matters. Means like if you are coming from an IIT or some tier 1 university, maybe those kind of things are also can be taken into consideration. But yeah, the overall profile matters a lot. Means it's not just about your GPA and your college, but it's your like extracurriculars, or your internships, or whether you have done very significant projects and contribution in research, especially publications. Then all those factors are equally important. और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की मैं बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट में जीपी एंड कॉलेज डजंट इवन मैटर, बट कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपने कलीग्स को देखूँ जो यहाँ ज्वाइन किए हैं तो मे बी या दैट्स समथिंग व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आपने फिर जीआरई इवन दो इट वाज नॉट मैंडेटरी आपने डाला ना फाइल में एप्लीकेशन? हाँ, जी, मैंडेटरी नहीं था. पर हाँ, कितनी स्कोर थी आपकी, मतलब जनरल? मेरी जीआरई स्कोर में 315 था, जिसमें 67 वाज इन क्वांट्स. Amazing. Moving on from profile, मतलब आपके पास GRE भी था, आपके पास अच्छी प्रोफाइल भी थी, फिर भी आपने US क्यों नहीं चूज किया? Like rather than okay. So here I was biased towards ETH because of the tuition fees. मतलब मेरा 2 साल होने जा रहा है, मेरा कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई को, और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर ETH में पढ़ना है तो आपको लोन लेने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी. अगर या कंडीशन अप्लाइड लाइक इफ यू कैन गेट सम काइंड ऑफ स्टूडेंट हाउसिंग हियर, तो यहाँ क्योंकि ज़्यूरिख इज लाइक वन ऑफ लाइक द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड. सो यहाँ रेंट काफ़ी महंगा है, और लेकिन कॉलेज हेल्प्स यू टू फाइंड वन विद अ स्टूडेंट हाउसिंग. देयर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल, तो उसके थ्रू अगर मिल जाने पे आपका मतलब सिर्फ खर्च जो होगा वो लिविंग एक्सपेंस होगा, एंड ट्यूशन फीस जस्ट $800 पर सेमेस्टर. सो most of the time you will find like people are not just completing their courses in 2 years, because हमारा जो मास्टर्स है वो 1.5 to 3 years के बीच में कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं. मतलब there is no pressure on you to complete in like 2 years or something. तो लोग generally एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उतना खर्च होता नहीं है, और अगर आप ये असिस्टेंटशिप करते हैं कॉलेज में तो then the pay is also very good. So overall, yeah, it's like free of cost study, I would say. Yeah. That is amazing. So total 2 years में आपने housing पे कितना खर्चा किया होगा? मतलब fees लाके total जितना भी किया? Total अगर मैं अपना खर्चा बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि around $25,000 for 2 years. That is $25,000, yes. That is incredible. So this scholarship मतलब easy था लेना, या फिर you had to compete and fight to get it? Scholarship के बिना मैं बता रहा हूँ. अगर आपको there is also one more option कि अगर first year में अगर performance अच्छा रहता है, performance in the sense if you have completed few credits, so you will get around $12,000 to $13,000 $US as a scholarship. So मैं जो 25,000 बताया without scholarship. If you can bag a scholarship, then it is more, less than 15,000 itself. और scholarship मिलना is just like you have to clear some kind of credit requirements in your first year or second year will be like you will provide with the scholarship. और आसान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ETH में पढ़ाई मतलब किसी भी कॉलेज में आसान नहीं होती वैसे तो, but ETH is I would say a bit demanding. मतलब जैसा बैचलर्स में करते आ रहे हैं वैसा तो नहीं कर सकते, और चैलेंजिंग तो है. मतलब यू विल हैव टू इन्वेस्ट, स्पेशली इन माय फर्स्ट सेमेस्टर आई रिमेंबर इन्वेस्टिंग मोर देन अराउंड 8 to 10 hours per day to just secure a decent grade. I'm not saying I scored a very good grades, but a decent grade maintain करने के लिए भी काफी effort डालना पड़ता है. Yes. हाँ ये तो है, but I think जैसे आपने कहा कि आपके 3 years में आप stretch कर सकते हो, अगर आप courses कम लो per semester तो शायद easy हो जाए, workload कम हो जाएगा. तो जैसे मैंने तो अगर आप ज्यादा courses लोगे, जैसे मैंने 1 साल में masters किया है तो workload बहुत ज्यादा था ही, तो ज्यादा रहता है. Definitely agree. And यहाँ लोग generally stretch कर लेते हैं, मतलब 2 and a half years तो common है. मतलब हाँ definitely agree. And उसके बाद आते हैं salaries पे, जैसे आपने ETH ज़्यूरिख की, क्योंकि first place में आपका fees का खर्चा काफी कम हुआ, but जो return है वो उतना ही मिला जितना US में मिलता है कि थोड़ा बहुत कम मिलता है, जैसे full time salary जब आप graduate होते हो. Okay, so jobs market अगर मैं US से compare करूँ तो I would say like it's not good. Not because the options are not there. There are options, but the companies tend to prefer the European candidates. If you are like have a citizenship of EU or EFTA and Switzerland, then company आपको prefer करती है. और अगर हम लोग इंडिया से हैं या फिर third nation countries outside Europe, तो एक certain kind of regulations depends upon the canton where you are working. So for example in Switzerland there are states. Switzerland में different cantons होते हैं, तो ETH Zurich canton के अंदर आते हैं. तो उसके अंतर्गत मतलब आपको मतलब एक कंपनी जो आपको हायर करेगी they will have to file a case for you, and the procedure is quite long, quite investing, and not only in terms of manpower but also like in money. So they will have to hire a lawyer for you and all. So ऐसा होता है कि कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लेने को, मतलब ऐसा है. और अगर देखा जाए तो मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है बट काफी डिफिकल्ट है. यस. और अगर पैकेज की बात की जाए तो पैकेज में डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट से. फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में अगर स्पेशली इन ज़्यूरिख पैकेज इज क्वाइट अबव एवरेज दैन अदर कंट्रीज इन यूरोप. सो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर देखा जाए अदर डिपार्टमेंट नॉन आईटी डिपार्टमेंट्स में तो एवरेज सैलरी विल बी अराउंड $70,000. or in computer science department, it can be around 90K. And if you are like, there is also Google Zurich here, and there are very big IT sectors. काफी giant tech giants are here in Zurich. तो अगर उसमें होता है तो obviously it will be what they pay in US. It will be more or less same. Indeed, मतलब salary at the end same पड़ता है, but cost of living Zurich में बहुत ज़्यादा है. तो Zurich में cost of living कम करोगे, save कम करोगे, and on the top of that, जो other disadvantage है जो मतलब companies डरते हैं, they have like you know क्योंकि उन्हें file आपने जैसे बताया कि court में case file करना पड़ता है to get approval for your work permit. वो steps इतने ज़्यादा है, so they don't prefer. तो ये बहुत ज़्यादा negative point आ जाता है. और कौन सी companies है, मतलब कितनी companies है आपको लगता है जो मतलब अनबायस्डली लोगों को हायर करती हैं? गूगल तो अनबायस्ड होती होगी ना? गूगल तो है ही. और यहाँ पर अगर बड़ी कंपनीज में बताऊँ तो मैं IBM है, माइक्रोसॉफ्ट इज ओपनिंग देयर ब्रांचेस हियर, बट मतलब इस्टेब्लिश नहीं है. तो बट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी है, बट अगर सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी दिस इज गूगल. इट्स गूगल एंड ओरेकल. ओके, so yeah, these are going to be like, you know, desired destinations for computer science or software engineers indeed. But ये जो आपने बताया work permit, so like usually क्या होता है यूरोप में, मैंने सुना है कि when you study there 1 to 2 years work permit guaranteed होता है कि आप 2 साल से लोग work experience तो gain कर ही सकते हो, आपने इतना invest किया. तो isn't any guarantee of 2 years of work permit कि हर company को file करना पड़ता है आपके लिए work visa? नहीं, मुझे जैसा पता है कि अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इफ यू आस्क फॉर योर डिग्री देन यू आर जस्ट अलाउड फॉर 6 months आफ्टर दैट. और उस 6 महीने में आपको जॉब खोजना पड़ेगा. और अगर इफ कंपनी इज विलिंग टू ऑफर यू जॉब, तब वो एक वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है ऑन योर बिहाफ टू द गवर्नमेंट. एंड देन ऑल्सो इट टेक्स अबाउट 3 months टू गेट दैट अप्रूवल इफ पॉसिबल. बट या, मतलब अभी भी है कि जॉब मिलने के बाद भी वर्क परमिट का की गारंटी कुछ नहीं है. ऐसा है, बहुत चैलेंजिंग है. मैंने खुद अपना 3 महीने वेट किया वर्क परमिट के लिए. तो या आई टोटली एग्री टू योर पॉइंट. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा कि अब आपसे अगर कोई बच्चा पूछता है व्हाई ETH Zurich, अगर आपसे कोई एसे लिखने के लिए दोबारा पूछता है व्हाई वुड यू स्टडी इन ETH Zurich, तो आप क्या लिखोगे? So yes, apart from the financial reasons, yes, that's one of the most important reason. But अगर world ranking की बात की जाए ETH Zurich में कि, तो ये world ranking 6th आता है लगभग. Computer science में शायद around 10th होगा, but world wide ranking और university की देखी जाए तो that is a brand name. मतलब ये है important, मतलब कि if you want to use this name in order to apply to some companies later on or to pursue your PhD, then ETH has a kind of reputation, first of all. Second thing is like कि ETH में अगर मैं compare करूँ compared to the US universities, तो CMU, Berkeley, MIT, Stanford. So these are like, and many more, but these are like 4 colleges in US की अगर वो मिलता है तो भाई वो तो जाना ही है. लेकिन अगर वो नहीं मिलता तब ETH is an option to consider, I guess. मतलब आप, और इसके कंपैरिजन में आप देखोगे आपका पैसा तो बच ही रहा है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तो है. आई एम सेटिस्फाइड, लाइक इफ यू आर टेक अ डिसीजन टू ज्वाइन ETH, यू वोंट रिग्रेट इट. मतलब आपको हर एंगल, फैकल्टीज आर ग्रेट, पढ़ाई बहुत अच्छी है, हर तरह से फैसिलिटी होता है और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है. मीन्स इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी क्लब, हम यहाँ स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर हाइकिंग एंड ऑल्सो देयर आर मेनी क्लब्स फॉर दैट, सो यू कैन ज्वाइन, यू कैन जस्ट have some extracurriculars in that regard. और life तो है ही, मतलब you enjoy, you study. Lake के पास, the campus is situated above a mountain, so the view is quite nice. And obviously Switzerland is famous for views and all. So apart from beauty, I would say कि हर angle से they are providing you the one of the best class study, world class study. What it is famous for, and it is also a college for Einstein. Einstein actually graduated from ETH Zurich. Oh, so, yeah. So yeah, these are some valid points to include in essay. Incredible. And final tips जो आप students को देना चाहोगे जो अभी भी मतलब you know बाकी countries consider कर रहे हैं? और आपने कितनी कंट्रीज में अप्लाई किया था? मैं ये पूछा भूल गया आपने. मैंने सिर्फ ETH Zurich में अप्लाई किया था. एक देखो, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने ETH Zurich में और एक कनाडा में अप्लाई किया था बिकॉज ऑफ द फीस ऑप्शन. मतलब मैं लोन नहीं लेना चाह रहा था, फिर क्योंकि मुझे एटीएस से सिलेक्शन आ गया तो मुझे पता था नेक्स्ट ईयर भी आ ही जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर मैंने सिर्फ ETH ज़्यूरिख में अप्लाई किया था। तो आई वुड नॉट बी अ गुड पर्सन टू से लाइक हाउ मेनी कॉलेजेस टू अप्लाई बिकॉज आई वाज लाइक श्योर ऑफ गेटिंग हियर इन माय सेकंड अटेम्प्ट। यस, बट जो स्टूडेंट्स टीयर 1 और 2 कॉलेजेस में से नहीं है, NITs या IITs में से नहीं है, उनके लिए क्या टिप्स दोगे? मतलब दे हैव अ स्कोप ऑफ गेटिंग एन ETH ज़्यूरिख और क्या क्या कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज मैटर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर इज लाइक कि आप रिसर्च कैसा, क्योंकि ETH इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च। तो अगर जनरली ऐसा होता है कि लोग ETH आना ही इसलिए जाते हैं क्योंकि दे वांट टू परस्यू देयर PhD हियर। तो क्योंकि यहाँ PhD सैलरी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब अगर आप ETH में PhD कर रहे हो तो दे विल पे यू अराउंड $60,000 to $70,000 पर एनम इन जस्ट डूइंग PhD। जॉब पे नहीं है तो लोग आते यहाँ इसलिए है कि PhD करना है। तो अगर आपको जॉब के लिए आ रहे हो तब ये मैं बोल रहा था कि जॉब लगना मुश्किल है, PhD लगना भी मुश्किल है, बट ये हाँ फॉर अदर पीपल फ्रॉम यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू वांट टू अप्लाई टू ETH, द थिंग इज यू रिसर्च इज द क्रूशियल फैक्टर। अगर आपका पब्लिकेशन है, आपने कुछ अच्छा रिसर्च किया, आपने बैचलर्स में कोई इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स की है, फॉर एग्जाम्पल DAAD होती है, फिर मिटैक्स है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। बिकॉज मैंने DAAD इंटर्नशिप किया था इन जर्मनी, सो वहाँ से मुझे रिकमेंडेशन मिला, मेरा पब्लिकेशन 1-2 था। तो मैं ऐसा कहूँगा कि रिसर्च अगर अच्छा है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च है, तो इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ETH मिलना कोई बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा बायस्ड है GPA और यूनिवर्सिटी के प्रति। तो इससे आपने ये भी कवर कर दिया कि ऑन द टॉप ऑफ हाई GPA स्कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी इम्पोर्टेंट है। Extra curriculum important है, yes. Yeah. Perfect. So thank you so much, Mohit, for your incredible knowledge. I hope this video helps out all the prospective students जो ETH Zurich जाना चाहते हैं. Thank you so much. Thank you very much.